Hey everyone, welcome back to JK Exam Cracker. This is Deepak Anand and आपका आज क्लास फोर का डे थ्री था. 1 मार्च 2021 को आज आपका डे थ्री था एंड आज आपके जो एग्ज़ाम्स थे वो कम्प्लीटली ओवर हो चुके हैं. जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं क्लास फोर के वो ओवर हो चुके हैं. सो एज ऑलवेज, जैसा कि आप सब जानते हो कि लास्ट थ्री डेज से हम लोग हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता लगे वो क्वेश्चंस क्या करने का वे क्या था और वो क्वेश्चंस लाइक उनको करेक्ट आंसर क्या है उनके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आई हैव सेट है मेरे पास ए. आई हैव क्वेश्चन नंबर सीरीज ए एंड इस क्वेश्चन नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट हो रहे हैं. हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहे हैं. क्वेश्चन है पहला, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो आप, क्वेश्चन है 06 20 42 72. 06 20 42 and 72. ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है. तो नंबर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हैं, 6 से सिर्फ 72 तक पहुंचा है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 6, यहाँ हो रहा है प्लस 14, यहाँ क्या हो रहा है प्लस 22 और यहाँ हो रहा है प्लस 30. तो यहाँ पे भी कुछ प्लस होना चाहिए, लेकिन पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो मैं डबल डिफरेंस लेके चलता हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, प्लस 8 हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 8 हो रहा है. यहाँ पे प्लस 8 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस 8 होगा यहाँ पे, यानी 38 होगा यहाँ पे. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या ऐड करना, 38 ऐड करना. 38 ऐड करके आपका यहाँ आ जाएगा 110. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 110 हो जाएगा. अगला क्वेश्चन आपके पास 3 21 42 24. 22 क्वेश्चन पे आता हूँ. 3 21 42 42 and 294. सामने हमको ये दिख रहा है कि ये सीरीज जो है ये 3 से स्टार्ट हुई है और 294 तक पहुंच गई है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लिकेशन जरूर इन्वॉल्व है. जब सीरीज आपकी बहुत जंप करके राइज कर रही होती है, ऐसा हमने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, जब भी हमारी सीरीज जंपिंग फॉर्म में होती है, जब एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही होती है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होती है. तो मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 294 आ जाता है. 42 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ 294 आ जाता है. यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है गाइस, यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 7 हो रहा है. पैटर्न समझ में आ गया, 7 2 7. तो आगे क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे, 2 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ आएगा 8, 9 2 आ जाएगा 18, 2 4 and 5 80, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 588 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है गाइस, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से, क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से. तो X इज ब्रदर ऑफ Y एंड सन ऑफ Z. तो X जो है, X इज ब्रदर ऑफ Y एंड सन ऑफ Z. Z इज हस्बेंड ऑफ W. W का एक कॉमा है. सन ऑफ M एंड ब्रदर ऑफ S. W जो है वो सन है किसका, M का, और ब्रदर है किसका, S का. ये क्या हो गया, Z इज हस्बेंड ऑफ W, कॉमा सन ऑफ एम. ओके, जेड क्या है, सिर्फ जेड के बारे में इंफॉर्मेशन है. जेड जो है वो हस्बैंड है किसका, डब्ल्यू का. ठीक है, सन ऑफ एम, ये एम का क्या है, बेटा है. ठीक है, ये वाइफ हो जाएगी ना, ये वाइफ हो जाएगी, एम का बेटा है. एंड ब्रदर ऑफ एस, और ये क्या है, एस क्या है, ब्रदर है. ठीक है, सो पूछा है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन हु इज द ब्रदर इन लॉ इन द ग्रुप. इस ग्रुप में ब्रदर इन लॉ कौन है, इस पूरे ग्रुप में ब्रदर इन लॉ कौन है. ब्रदर इन लॉ कौन होता है गाइस, ब्रदर इन लॉ होता है साला. ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ कौन बनता है, एस क्या है यहां पे, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एंड सन ऑफ जेड, एंड सन ऑफ जेड, जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू. ठीक है, जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू एंड ब्रदर ऑफ एस. जेड ब्रदर है किसका, एस का. बस इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है. तो पूछा है हु कैन बी, ओके यहां कैन भी पूछा है, मैं तभी कह रहा हूं यहां एश्योरेंस नहीं आ सकती ना,
क्वेश्चन में कैन भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहां पे अगर जेंडर बताएं तो ये मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकती है। तो ब्रदर इन लॉ कौन होता है, भाई का, सॉरी हस्बैंड का भाई। ब्रदर इन लॉ कौन होता है, या हस्बैंड का भाई या बहन या वाइफ का भाई। तो यहां पे ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू का हस्बैंड है, हस्बैंड का भाई कौन है, एस। कैन भी है, ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है, लेकिन हमको पूछा हुआ यहां पे कैन भी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा गाइस, एस जो है, एस आपका ऑप्शन कौन सा है, ये आपका ऑप्शन जो है दैट इज बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर, मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं भाई, रमेश पुशेस हिज कार्ट 50 मीटर टूवर्ड्स साउथ। ये उसका कार्ट है, ये रमेश का कार्ट है, हमने 50 मीटर साउथ की तरफ उसको पुश कर दिया, अभी कार्ट यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। फ्रॉम द मार्केट, अच्छा ये मार्केट है, ये क्या है भाई, मार्केट से हमने पुश करना स्टार्ट किया, मार्केट से हमने इसको पुश करना स्टार्ट किया। आगे लिखा है, देन ही टेक्स यू टर्न एंड पुशेस हिज कार्ट फॉर 25 मीटर। फिर उसने यू टर्न ले लिया, यू टर्न मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और 25 मीटर तक आ गया, दैट मीन्स अब वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अब वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी वो प्रेजेंटली यहाँ पे है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 25 का, और अगर ये 25 है तो ये भाई ये भी कितना होगा, ये भी आपका, ठीक है, ये आपका 25 है तो ये भी आपका कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा, ठीक है। आगे है आपके पास, रमेश टेक्स राइट टर्न एंड पुशेस कार्ट 30 मीटर फर्दर। अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और कहाँ चला गया, 30 मीटर चला गया यहाँ पे, और यहाँ पहुँच गया 30 मीटर करके, यहाँ पे पहुँच गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से अब कौन सी डायरेक्शन में, तो ये मार्केट है, यहाँ पे अगर आप एंगल बनाओगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये है आपके साउथ ईस्ट, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है साउथ ईस्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। आई नो आप सब ये क्वेश्चन ठीक करके आए होंगे, एंड अगर करके आए हो सो यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, टी इज रिलेटेड टू कप, वाटर इज रिलेटेड टू व्हाट। तो टी जो होती है हम कप में डालते हैं, वाटर जो होता है वो कहाँ डालते हैं, टैंक में डालते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है, ए। 25th क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, क्या 26 है हमारे पास, आर इज वॉकिंग नॉर्थ, आर जो है यहाँ पे खड़ा है और नॉर्थ की तरफ वॉक कर रहा है। आफ्टर वॉकिंग वाइल ही टर्न्स राइट, थोड़ी वॉक करने के बाद वो राइट मुड़ गया, ठीक है, एंड कंटिन्यूज वॉकिंग। देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट चला गया एंड कंटिन्यू वॉकिंग। फाइनली आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर, यहाँ पे वो कितना चला, 1 किलोमीटर चला, ठीक है, ही, अच्छा वॉकिंग 1 किलोमीटर, ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। अब वो लेफ्ट की तरफ टर्न कर गया, दैट मीन्स यहाँ पे फेस कर गया अपना, वो पूछा है इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग, अब कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये आपकी क्या डायरेक्शन होती है, ये आपकी होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स अब कहाँ मूव कर रहा है, वो वेस्ट में मूव कर रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, डी, आपका आंसर क्या आएगा गाइज, डी, ठीक है। 26 का आंसर क्या आएगा, डी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन है आपके पास गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको हमारी तरफ से ऐसी अपडेट्स मिलती ही रहेंगी, ठीक है। चलिए भाई, एस एंड आर कहाँ है हमको, अच्छा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग क्या है, हमको वर्ल्ड का कोड निकालना है, हमको किसका कोड निकालना है, वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड का कोड कैसे निकालना है भाई, डब्ल्यू का कोड है, डब्ल्यू का कोड दिया है हमको एच, ओ का दिया है हमको एम, तो एच एम वाला कोई आंसर है, दो आंसर है ए और सी, ए और सी जो है इन दोनों से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। फिर मैं देख लेता हूँ हमको दिया हुआ है किसका कोड, डब्ल्यू ओ, आर का कोड कहा हुआ है, आर का कोड है ई, एल का कोड है हमारे पास सी, ठीक है, और डी का कोड है हमारे पास ओ। तो ये आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन रहा है, वर्ल्ड का कोड क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। चलिए भाई बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एस एंड आर आर बोथ स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इन द सेम डायरेक्शन। एस और आर जो हैं, एस और आर ने सेम जगह वॉक करना स्टार्ट किया, ठीक है, सेम जगह वॉक करना स्टार्ट किया। और मैं देखो, मैं एस वाली जो लाइन है वो सिंगल बना रहा हूँ और आर वाली जो है वो डॉटेड बना रहा हूँ, ठीक है। जो सिंगल लाइन है वो किसके लिए, एस के लिए, और जो डॉटेड लाइन है वो किसके लिए है, आर के लिए, ठीक है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, एस टर्न्स लेफ्ट एंड, अच्छा
डायरेक्शन दी नहीं है कि किस डायरेक्शन में, तो मैंने मान लिया कि वो ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर लिए। फिर क्या दिया कि एस टर्न लेफ्ट, एस जो है वो लेफ्ट की तरफ टर्न कर गया, ठीक है, एंड आर टर्न राइट, आर टर्न राइट, ठीक है। एस वॉक्ड 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन इन विच शी टर्न, एस ने 5 किलोमीटर वॉक की, एस ने कितनी वॉक की 5 किलोमीटर, यहां पहुंच गया, ठीक है। और ऑन द अदर आर स्टॉप्ड फॉर सम टाइम एंड देन वॉक ओनली 3 किलोमीटर, आर रुक गया और फिर कितना चला गया 3 किलोमीटर, आर जो है वो 3 किलोमीटर चल गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर हमारे पास देन एस टर्न्ड लेफ्ट एंड आर टुवर्ड्स राइट, एस जो है वो कहाँ चला गया लेफ्ट में और आर कहाँ चला गया राइट में, ठीक है, आर चला गया राइट में। दे वॉक्ड 15 and 9 किलोमीटर अहेड, कितना चला इसने 15 चला और ये कितना चला 9 चला, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एस एंड आर, एस और आर के बीच में डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, दैट मीन्स हमको डिस्टेंस क्या पूछा है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिफरेंस पूछा, तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, ये आप निकाल सकते हो गाइस पाइथागोरस थ्योरम से। आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे, तो देखो ये टोटल कितना है 15 और ये कितना है 9, तो 15 में से 9 निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा 6। अच्छा ये कितना है आपका 5 और 3, ये बन जाएगा आपका 8, तो यहाँ से आप निकालोगे अगर तो 48 प्लस 64 अप्रॉक्सीमेटली पूछा है हमसे क्या, 48 एंड 64 ये कितना बनता है आपका 8 में 10 11 12 10 और 11 112 बनता है ये, अंडर रूट 112। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे हमसे शायद, देखें जरा इसको ध्यान से फिर से एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, एस एंड आर स्टार्टेड बोथ फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ये एस वॉक कर रहा है, ये आर वॉक कर रहा है, ठीक है, एस के लिए मैंने ये लाइन डाली है, आर के लिए मैंने ये लाइन डाली है, ठीक है। एस टर्न लेफ्ट एंड राइट, आर टर्न राइट, एस जो है वो लेफ्ट टर्न कर गया, आर जो है वो राइट टर्न कर गया, ठीक है। एस वॉक्ड 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन इन विच टर्न, ये कितना चला 5 किलोमीटर चला, ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड आर स्टॉप फॉर सम टाइम एंड वॉक्ड ओनली 3 किलोमीटर, आर जो है वो कितना चला सिर्फ 3 किलोमीटर चला, आर चला सिर्फ 3 किलोमीटर, ठीक है। देन एस टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड आर टू द राइट, एस जो है वो कहाँ अपने लेफ्ट की तरफ टर्न कर गया और आर जो है अपने राइट, अभी इसका आर का फेस इस तरफ है ना, तो यहाँ से राइट टर्न कर जाएगा, ये हमको देखना है कि उसका फेस किस तरफ है, ठीक है। एंड दे वॉक्ड 15 and 9 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, 15 और 9 किलोमीटर उन्होंने वॉक किया, ठीक है, चलिए बढ़िया। इसके बाद क्या है आपके पास, अभी एस जो है वो यहाँ खड़ा हुआ है और आर जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ डॉटेड लाइन बनानी थी, ठीक है, ठीक है। एस जो है यहाँ खड़ा हुआ है, आर यहाँ खड़ा है, पूछा आपके पास मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आप एक ट्राइंगल बना लो, आप राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपको दिख रहा है क्या कि इसका डिस्टेंस कितना है 8, इसका डिस्टेंस कितना है 8। अच्छा अगर ये टोटल 15 है अगर ये टोटल और ये 9 है तो ये कितना होगा 6 होगा, ये कितना होगा गाइस 6 होगा। तो अगर ये 6 है हमारे पास तो बात तो वही आ रही है फिर, 6 6 36 एंड 8 8 64। ओके मैंने एडिशन में गलती कर दी थी ना, मैंने थोड़ी सी एडिशन में गलती की, मैंने 6 6 48 ले लिया शायद, ठीक है, कुछ कर दिया था मैंने, गलती कर दी थी। तो देखो हमको ये निकालना है, आपको पता है एस आर का स्क्वायर जो होगा वो, या आप मान लो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमको नहीं पता, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आएगा 64 प्लस 36, तो h का स्क्वायर कितना आ रहा है आपका 100, तो h कितना आ जाएगा आपका 10, h कितना निकल के आएगा 10, तो आपका आंसर क्या आएगा गाइस, ऑप्शन बी होगा जो वो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए भाई सॉरी मैंने आपको थोड़ा टाइम दे दिया, बिकॉज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करने में गलती, कई बार हो जाती है कैलकुलेशन में मिस्टेक, सो आई पार्डन फॉर दैट, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको एक पाई दी हुई है, इसको आप पिज्जा मान सकते हो, और उसमें कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखो। तो इसका पैटर्न जो है वो क्या था गाइस, आप देखो जो अपोजिट वाले हैं ना, जो अपोजिट आपके स्लाइसेस हैं, जो अपोजिट सेक्टर्स हैं आपके, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो आप जैसे मान लो ये एक पाई है, ठीक है, ठीक है, इसमें इसका सम
प्लस इसका सम, दोनों का 9 आ रहा है, इसका सम और इसका सम दोनों का क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसका सम और इसका सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है, जो हम टोटल नंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए, हमारा जो खाली है उसके ऑपोजिट कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाला है, तो 6 में हमारे जो नेक्स्ट हमारा स्लाइस आएगा उसमें कम से कम 3 हमारे पास ये होने चाहिए, कम से कम के टोटल 3 होने चाहिए। अब बात आती है कि 3 वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन सी। अच्छा, एक और चीज हम देख रहे हैं, जो इस तरह वाले पैटर्न है ना आपके पास, इस तरह वाले पैटर्न, ये टोटल कितने हैं 3 हैं, तो ऑपोजिट वाला जो हमारे पास है उसमें 2 ऑलरेडी है, तो इसमें कितना आएगा 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, तो बाकी जो होंगे वो क्या आएंगे खाली आएंगे, तो हमारा जो फिगर बनेगी वो ऐसी बनेगी, तो फिगर में 1 कट वाला बनेगा, 2 हमारे पास डॉट खाली वाले बनेंगे, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगली फिगर भी आप देखिए, अगली फिगर भी देखिए, अगली फिगर है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा है ऑड वन आउट कौन सा है, तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा निकल के आ रहा है गाइस, हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, आप खुद देख लो इसको, बाकी जो हैं अगर मैं इनको उल्टा सीधा घुमाऊं तो हर किसी में ऐसा वाला पैटर्न निकल के आ रहा है, हर किसी में ऐसा वाला एक पैटर्न निकल के आ रहा है अगर मैं इन सबको एक तरह से घुमा दूं। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं, जब मैं सी वाले की बात करता हूं, तो सी वाले में जो पैटर्न बन रहा है वो क्या है, वो ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, सी वाले में जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसके ऊपर ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा, उसमें सिर्फ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो सी वाला जो होगा वो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का पैटर्न आ रहा है। ठीक है, ये पैटर्न आ रहा था। ठीक है, तो हमारा सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्टिब्रेट्स इज टू फ्रॉग एंड इनवर्टिब्रेट इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आप खुद कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि इसका आंसर क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें चलो मार्क भी 3-4 लगे हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर मैंने ये कर दिया, इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा कि आंसर क्या है इसका। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप देखिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। काव्या इज डॉटर ऑफ पियालीज फादर इन लॉज ओनली सन महेश। काव्या क्या है, काव्या इज डॉटर डॉटर है किसकी, पियालीज फादर इन लॉज। ये प्याली क्या है, ये मैं साइड में बना लेता हूँ, प्याली बना लेता हूँ, प्याली का ये हस्बैंड, प्याली का ये हस्बैंड और ये हस्बैंड का फादर, ये फादर इन लॉ हो गया। ठीक है, प्याली के फादर इन लॉ की ओनली सन महेश, तो इसके फादर इन लॉ हैं, तो उसका ओनली सन क्या होगा, महेश, मतलब वो खुद ही उसके पति की बात कर रहे हैं। तो काव्या इज डॉटर ऑफ प्याली, तो पूछा क्या है आपसे, हाउ इज प्याली रिलेटेड टू, प्याली काव्या की क्या लगती है, तो यहाँ पे प्याली आ जाएगी आपकी, यहाँ प्याली आ जाएगी। ठीक है, ये प्याली का हस्बैंड आ गया और ये प्याली का कौन आ गया भाई, फादर इन लॉ का इकलौता बेटा कौन होगा, ये होगा, और उसकी बीवी जो होगी वो काव्या की क्या होगी, माँ होगी, तो इसलिए हमसे पूछा कि प्याली क्या रिलेटेड है, तो प्याली जो है वो ऑप्शन सी मदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें करवाने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 33 जो है हमारे पास, इसमें जो आपके एंगल्स हैं जो टिल्ट हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हो रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, बट ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ये। ठीक है भाई, चलो भाई आगे मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस। राधा एंड राहुल हैव टू चिल्ड्रंस। राधा और राहुल जो हैं वो आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, मेरे को नहीं पता कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। इनके दो बच्चे हैं, इनके क्या हैं, दो बच्चे हैं, दिव्या एंड सिमी, दिव्या एंड सिमी क्या है, इनके दो बच्चे हैं जो कि आपस में होंगे सिब्लिंग्स। ठीक है, आगे लिखा है हमारे पास, दिव्या गॉट मैरिड टू अनुज। दिव्या की शादी किससे हो गई, अनुज से हो गई। ठीक है, तो चलो इनको मैं फीमेल ही मान लेता हूँ अभी, क्योंकि नाम से आइडेंटिफाई करना तो नहीं चाहिए, बट चलो करके देख लेते हैं एक बार। दिव्या इज मैरिड टू अनुज, हु इज सन ऑफ मधु। अनुज जो है वो क्या है, सन ऑफ क्या, मधु, वो मधु का बेटा है। ठीक है, और इसका कोई हस्बैंड भी होगा फिर। ठीक है, मधु है, अच्छा मधु एंड रामू, अच्छा रामू का भी है, ये रामू भी आ जाएगा यहाँ पे भाई,
काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया हुआ है, इजी बिल्कुल भी नहीं है ये। रेशमा इज डॉटर ऑफ अनुज, ठीक है, रेशमा जो है वो अनुज की डॉटर है, दैट मीन्स रेशमा जो है वो इसकी डॉटर रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम, रेशमा अनुज सिस्टर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अनुज सिस्टर सुमा गॉट मैरिड टू सुबोध, अनुज की जो सिस्टर है इसका नाम है सुमा, वो मैरिड हो गई है सुबोध से, ठीक है, तो सुबोध इसका हस्बैंड है, ठीक है, सुबोध से शादी हो गई है उसकी। एंड तरुण एंड अमन आर देयर सन्स, और उनके बेटे कौन है, तरुण एंड अमन, ये क्या है, इनके दो बेटे हैं, ठीक है गाइस, ये इनके दो बेटे हैं। तरुण इज ग्रैंडसन ऑफ मधु एंड रामू, ठीक है, तरुण इज ग्रैंडसन ऑफ मधु एंड रामू, तरुण जो है वो ग्रैंडसन है मधु और रामू का, हमको पता है, ये तो हमको पता है भाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउ इज दिव्या रिलेटेड टू सुमा, दिव्या सुमा से कैसे रिलेटेड है, तो दिव्या इसकी क्या हुई, दिव्या भाई इसकी क्या हुई, ये अनुज है, ये अनुज की बहन है, तो ये इसकी क्या हुई, सिस्टर इन लॉ, ये क्या होगी इसकी, सिस्टर इन लॉ, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, सिस्टर इन लॉ। काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके एग्जाम में आएगा, बहुत सारे रिलेशन इसमें दे दिए उन्होंने, काफी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है ये, बट इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज सिस्टर इन लॉ, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइस, चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एज पर द कोडिंग, ये आप खुद करोगे भाई, इसको खुद करोगे, मैं इसको अब एक एक कोड फाइंड आउट नहीं करूंगा, करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूं यहां पे, देखो जो इसका सेकंड लास्ट वर्ड है ना, आप सभी ध्यान से देखो, करेक्ट आंसर निकालने के लिए मैं सिर्फ एक वर्ड का निकालूंगा, जो सेकंड लास्ट वर्ड है, सेकंड लास्ट वर्ड क्या है आपका, ओ एन, जो आप सेकंड लास्ट वर्ड देख रहे हो ना, उसका सबका ऑप्शन जो है वो गलत है, सबका उल्टा सीधा है, तो जो यहां पे आएगा ना वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओ का कोड क्या है भाई, हमारा ओ का कोड है एम, तो एम देखो सेकंड लास्ट किस में है, तो वो हमारा डी ऑप्शन में है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी। मेरे को पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ देखा कि इन सब में से जो डिफरेंट वर्ड आ रहा है वो कौन सा है, वो सेकंड लास्ट वर्ड था, और सेकंड लास्ट वर्ड का एग्जैक्ट कोड निकाल दिया, तो मेरा आंसर आ गया। पूछा है मेरे से, ये एक फिगर दे दी है आपको, ठीक है, फिगर आप देख लीजिए, यहाँ पे फिगर दी है हमको क्या, कि कुछ एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स हैं, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिस है, और कुछ ग्रेजुएट्स हैं। पूछा है हमसे पूछा है कैंडिडेट्स हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स, एजुकेटेड इन कंप्यूटर ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो एजुकेटेड इन कंप्यूटर वाला सर्कल जो है वो ये वाला है, इस तरह से आपको सर्कल दिया हुआ है, तो ये है आपका एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स, ठीक है, दैट मीन्स आपको इस सर्कल की बात करनी है पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद कहा हुआ है दे शुड नो रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन भी पता है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला कौन सा, ये, दैट मीन्स अब आप बात किसकी कर रहे हो, जो जिनको रूल्स एंड रेगुलेशन भी पता है, जिनको रूल्स एंड रेगुलेशन भी पता है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन वाले कौन से लोग हैं, सिर्फ ये वाले, तो ये वाले आ गए, तो कॉमन चीजें आ रही हैं अभी तक, ये चीज कॉमन आ रही है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट है ये कॉमन आ रहा है। अब पूछा है बट नॉट ग्रेजुएट, बट वो ग्रेजुएट नहीं होना, तो ग्रेजुएट वाला पार्ट जो है ये आ रहा है, तो मैं इस पार्ट को भी बाहर निकाल दूंगा, तो मेरा जो इतना सा पार्ट बच रहा है ये वाला पार्ट, ये मेरा करेक्ट आंसर, तो इस पार्ट का ऑप्शन आंसर क्या आ रहा है, डी, ये क्या है भाई, डी, ठीक है, तो डी वो लोग हैं जो कंप्यूटर में एजुकेटेड हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, लेकिन वो लोग ग्रेजुएट्स नहीं है, ठीक है, वो लोग ग्रेजुएट्स नहीं है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आपके पास एक फिगर दी है आपको, देखो फिगर में है क्या, रेशो चल रही है, जब तीन थे तो एक डंडा है, जब पांच हमारे पास लाइंस है तो यहां पे तीन है, दैट मीन्स दो दो कम हो रही हैं। अगले वाले में आपके पास क्या है, अगले वाले में एक दो तीन चार पांच क्या हो गया ये, एक दो तीन चार पांच छः और सात, ठीक है, सात है तो अंदर कितने हैं, पांच हैं, ठीक है, तो अगले वाले में ये तीन, ये पांच, ये सात, अगले वाले में आपके नौ होने चाहिए बाहर, और अंदर कितने होने चाहिए, सात,
तो देखिए कौन सी फिगर बन रही है ऐसी, तो ऐसी आपकी फिगर बन रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है दैट विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है, ए। अगला है क्वेश्चन नंबर, ओके दिस वाज क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 का है ए। 38 का देखते हैं, 38 क्वेश्चन इज ए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या है, 57, 47, 46, 46 एंड 35। तो अगला भी क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अगला भी आपके क्या निकल के आ जाएगा गाइस, 35 निकल के आ जाएगा। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है वही एक आपको वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। विच लेटर रिप्रेजेंट दो साइंटिस्ट हु आर नॉट आर्टिस्ट, वो साइंटिस्ट जो आर्टिस्ट नहीं है। तो साइंटिस्ट कौन से हैं भाई यहाँ पे, साइंटिस्ट हैं आपके स्मॉलर ट्राइंगल वाले और वो आर्टिस्ट नहीं होने चाहिए। तो आर्टिस्ट यहाँ पे कौन से हैं भाई, बिगर ट्राइंगल वाले। तो एफ जो है, एफ पूछा है हमसे विच लेटर रिप्रेजेंट द साइंटिस्ट हु आर नॉट आर्टिस्ट। साइंटिस्ट कौन से वाले हैं जो ट्राइंगल में है, स्मॉलर ट्राइंगल में, बट वो आर्टिस्ट नहीं है। तो आर्टिस्ट वाले कौन से हैं भाई, आर्टिस्ट हैं हमारे पास बिगर ट्राइंगल। तो एफ जो है, एफ पार्ट जो है आपका, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो 39th क्वेश्चन भी आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 40th क्वेश्चन। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डी कोडिंग। कोडिंग डी कोडिंग मैनेज का कोड दिया है आपको क्या, GICPCO, ठीक है। तो इसके बेस पे आपको निकालना था, किसका कोड निकालना था भाई आपको, स्ट्राइव का कोड निकालना था। कोड निकालना था आपको स्ट्राइव। तो देखो भाई कैसे कोड निकालना था इसका। देखो मैं M और G को रिलेट करूं तो बहुत दूर दूर तक आ जाती है। तो हमको देखना होता है कि जो नंबर है ना, जो लेटर है उसके पास कौन सा नंबर है। तो M के पास N O ही सबसे पास नंबर है और E के पास F G ही है। दैट मीन्स जो क्रॉस में जा रहे हैं और दो दो ऐड कर रहे हैं, A B C G H I N O P A B C, दैट मीन्स क्रॉस में जा रहे हैं हम। हम क्रॉस में जा रहे हैं और वर्ड्स क्या कर रहे हैं, हम दो दो बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स S का क्या आएगा, S T U। E का क्या आएगा, E F G T U V V S T U V W X, ठीक है। R S T और I J K, तो G X K T V U, G X K T V U, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी जो होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो हम लोगों ने अभी पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन देखे रीजनिंग के। इससे पहले शुभम सर ने आपको वीडियो दे दी है, शुभम सर ने आपको लेक्चर दे दिया मैथ का। अब आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं एंड क्या डिफिकल्टी लेवल लगा आपको एग्जाम का। नो डाउट क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट आए हैं, मैं इसमें बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा। कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आए हुए हैं, ठीक है। सो मिस्टेक हो सकती थी। चलिए अब जैसा भी एग्जाम हो गया कुछ कर नहीं सकते, अब हमको अगले टारगेट को लेके चलना है और अगले टारगेट के लिए आपके क्या प्लान्स रहेंगे वो हमने डिसाइड करके रखे हुए हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।